उत्तर प्रदेश में जहां भी देखो भगवा रंग दिखाई देगा। जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम जहां जाते हैं वो जगह गेरुआ रंग में रंगा रहता है। सीएम कार्यालय से लेकर यूपी के परिवहन बसों में भगवा रंग दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, वहां भगवा रंग न हो ये हो नहीं सकता। यानी यूपी को गेरुआ रंग में रंगा जा रहा है। सरकार वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कहती है, लेकिन ये ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कई तरह के उपाय करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनपरा जा रहे हैं। यहाँ योगी के लिए खास तैयारी की गई है। चापलूस अफसर चापलूसी में लगे हैं। कैसे मुख्यमंत्री को खुश करना है, उन्हें क्या पसंद है, खास ख्याल रखा जा रहा है। अब चापलूसी चरम पर पहुंच गई है। योगी की यात्रा को लेकर शासनादेश जारी किया गया है। एपीएन के पास एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जिसमें शासनादेश है, जिसमें कहा गया है कि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगवा रंग की तौलिया रखी जाए। यानी अब कार्यक्रम पर भी भगवा रंग चढ़ गया है। मुख्यमंत्री कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन चापलूस अधिकारी हैं कि मानते नहीं। मुख्यमंत्री के मना करने के बाद भी शासनादेश जारी करते हैं। एक बार वो कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, कोई वीआईपी कल्चर पे नहीं चलेगा, और एक तरफ उन्हीं के ऑफिस से ये तय होकर के जाता है कि किस कलर की तौलिया मुख्यमंत्री जी को चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कब तक आप भगवा रंग के सहारे राजनीति करेंगे। भगवा रंग को जिस तरह से राजनीतिकरण कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार, और अब उनके मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट प्रोग्राम में भगवा रंग की टॉवल चाहिए वहाँ पे, अगर वो लिख के जा रहा है, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं अधिकारी भी भगवाकरण की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमें लगता है देश और प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर शासनादेश देख सकते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार मना कर चुके हैं कि उनकी यात्रा पर कोई भी तामझाम नहीं चाहिए। फिजूल खर्ची पर सीएम ने फटकार भी लगाई है, लेकिन अधिकारी सीएम के आदेश की परवाह नहीं करते हुए बार बार शासनादेश लागू कर सीएम के दौरे को सुर्खियां बना देते हैं। जिनके चश्मे खराब हैं, उनको उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिख रहा है। तो अब जिनके चश्मे खराब हैं, उनको अपना चश्मा ठीक करना होगा, विकास का चश्मा लगाना पड़ेगा, तब विकास दिखेगा। सभी रंग दिख रहे हैं, भगवा भी दिख रहा है, भगवा भी एक रंग है, सभी रंगों के साथ भगवा भी दिख रहा है और विकास भी खूब चमक रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवरिया के शहीद के घर सांत्वना देने पहुंचे थे, तो वहां खास इंतजाम किया गया था। भगवा रंग का सोफा, तौलिया, एसी लगाए गए थे, लेकिन दौरे से लौटते ही सोफे एसी हटा लिए गए। इस दौरे पर खूब जमकर सियासत भी हुई थी, सरकार की किरकिरे भी हुई थी, लेकिन अफसरों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यूपी परिवहन विभाग के ज्यादातर बसों को भगवा रंग में रंग दिया गया है। मुख्यमंत्री का दफ्तर भी भगवा रंग में रंगा है। सरकार कहती है कि नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी जनता के सेवक हैं, बावजूद उसके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के दौरे पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, ताकि उनके शान में कोई खलल ना पड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार बदलते ही क्यों बदल जाते हैं रंग। लखनऊ से विक्रम मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।